एक रागनी मैं आपके बीच में पूर्ण मल के प्रसंग से रखूंगा मेहरबानों। ये उस मौके की रागनी है जब 12 साल के बाद में पूर्णमल भोरे से बाहर आता है, अपने पिताजी राजा सुलेभान से आज्ञा पाकर और अपनी मौसी नोना दे से महल में मिलने के लिए जाता है। नोना दे ने जब पूर्णमल की शान और शकल को देखा तो एकदम से मोहित हो जाती है। मन में विचार करया कि भाई अगर इस लड़के के साथ में तेरी जोड़ी मिल जाए तो तेरी आगे की जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन वो पूर्णमल जती था मेहरबानो, अपनी मौसी से एक बात के द्वारा कहने लगे, अरे माँ तू मेरी धर्म की माँ है, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ, इस प्रकार की नियत अगर मेरे ऊपर रखेगी तो तेरे लिए अच्छी नहीं होगी। किस तरह से एक बात के द्वारा पूर्णमल अपनी मौसी को क्या कहता है भला सुनिए। नु बोलिया रे तू माँ बेटे पे जुल्म करे जुलम करे देख राम के घर ने। आइए हमारे बीच में रागनी जगत की बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका जिनको आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखते हो, मैडम सरिता कश्यप हमारे बीच में पहुंची हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से उनके स्वागत में होनी चाहिए, जोरदार तालियां। रागनी के बोल सुनो, पंडित लक्ष्मीचंद के बनाई हुई ये रागनी आपके बीच में रखी जा रही है। वो पूर्णमल अपनी मौसी से क्या कहता है भला सुनिए। नु बोल्यारी माँ बेटे पे जुल्म करे और तू देख राम के घर नैरी हो बच्चे भाई एरी पति वरता एक शान समझती छोटी पति उम्र हेरे माँ बेटे पूर्णमल नू कहने लगे, अरे माँ तू माँ बेटे पे जुलम करे तू देख राम के घर ने भाई पति वरता एक शार समझती छोटी बड़ी उम्र ने। उम्र का कोई मतलब नहीं होता, नाते का मतलब होता है। पहले नंबर पर नू बोलिया, प्रमाण दिया कैसी कैसी औरत हुई हमारे इस देश में। क्या लिखा रावण के बेटे रावण के बेटे की बहू वानर सलोचना प्यारी पति की बुझा कटपड़ी महल में वह रोई देख लकारी अर्थ जुड़ा के कई तला में उड़े सेना जुड़ी वारी फिर धर्म के कारण रामचंद्र ने रात फेर पुचकारी धर्म के कारण रामचंद्र ने रात फेर पुचकारी उस पतिव्रता के सत से हंसी Oh,
क्षेत्र में, इस इलाके में रागनियों को बड़े गौर से सुना जाता है। 100 रुपए हमारे आदरणीय अंकल जी बड़े विद्वान श्रोता है, और 100 रुपए मेरे नौजवान भाई मेरी इस रागनी पर 100-100 रुपए से आशीर्वाद देकर गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पहले नंबर पे नू बताया भाई, एक रावण के बेटे की बहू नार सुलोचना प्यारी, पति की बुझा कटपड़ी महल में दे रोई दे किलकारी, अर्थ जुड़ा के गई दला में सेना जुड़ रही भारी, और भाई धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ फेर पुचकारी, उस पतिव्रता के सत के कारण हासी छुटी कटे हुए सर ने, भाई पतिव्रता एक शार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। नंबर दो में बोले ऐसी ऐसी औरत भी हुई है, कैसी क्या लिखा नंबर दो में? बहुत अच्छा। एक सावत्री सत्यवान पति ने, सावत्री सत्यवान पति ने रे आप ढूंढ के ल्याई, वर्ष दिन भीतर मर लेगा नारद ने बात बताई, पतिव्रता का धर्म समझ के ओटी खूब तबाही, फिर लकड़ी काटने गया पति जब रकाचासीस पे आई, लकड़ी काटने गया पति जब रकाचासीस पे आई, वत सत के कारण धर्म राज ते रे 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 रे, फिर सत के कारण धर्म राज ते नहीं होते जो तू करने लग रही है, कैसी कैसी औरत हुई, किन किन का उदाहरण दिया नंबर तीन में, सुनिए पंडित जी ने क्या दर्शाया। हाँ। नु बोला इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी रे, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अनसुईया की भी गिनती, दमयंती मदनावत हर का तुझ कर सदा ते सुनती, कौशल्या दशरथ की रानी सुत राम चंद्र से जनती, विषय ने त्याग भजन में लागे भाई जब पतिव्रता बनती है, त्याग भजन में लागे जब पतिव्रता बनती है, जैसे मीरा बाई पार उतर की रे 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 रे, मीरा बाई
नंबर चार में वो पूर्णमल कहने लगे, अरे माँ अगर ये नींद तू अपने बेटे के ऊपर धरेगी तो उसका दंड तना भुगतना पड़ेगा। क्या लिखा नंबर चार में? नु बोल्या लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे रे, लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे के वो ज्ञान बिना सरे से, तेरे जिसी बेईमाना का के बेड़ा पार तेरे से, डूब गई तू माँ हो के बेटे पे नीत धरे से, तने आगे पति ना मिले जोड़ी का चाहिए फटे कर्म करे, तने आगे पति ना मिले जोड़ी का फटे कर्म करे से, तने नरक का कुंडे